परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुन रही झूम करा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झूम करा। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये आपका स्थाई स्थान नहीं है। लेकिन अभी तक हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। हमने अपने दादे परदादों को, अपने पूर्वजों को ऐसे ही क्रियाएं करते देखा। उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद उनकी क्रियाक्रम कराते रहो, इसको अंतिम इस जीवन का लक्ष्य मान लिया था। अब परमात्मा ने आके बताया है, परमेश्वर ने के बच्चों तुम यहां के वासी नहीं हो, आप एक ऐसे स्थान से आए हो जिसकी कसक आज भी आपके हृदय के अंदर है और उस सुख की खोज में आप इस काल के लोक में लगे हुए हो। जैसे परमात्मा ने आके बताया है कि इस काल ने अपनी माया से, दुर्गा से, ऊपर के लोकों की, परमात्मा वाले लोकों की एक नकल करवा रखी है, झूठी, डुप्लीकेट, हूबहू। ऐसे ही सतलोक के अंदर नर नारी हैं और उसमें बहुत ही सुख पदार्थ है और वहां कोई दुख नहीं है। तो काल ने भी यहां ऐसी ही नकल कर दी, लेकिन हमारा जो बॉडी है प्रत्येक प्राणी का ये पांच तत्वों से बनवा दिया और वहां पर केवल एक तत्व से है, नूरी तत्व से। उसमें वर्ध अवस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती, वो अदर अमर शरीर है। अब जैसे नमक की बोरी हो, नमक का ढेर पड़ा हो या किसी बोरी में रखा हो और एक तरफ बूरा रखी हो, दोनों की जो है एक जैसा कलर होता है लेकिन उसके टेस्ट में अंतर होता है। इसी प्रकार हम नमक की बोरी में और उस खांड के, बूरा के, चीनी के टेस्ट को खोज रहे हैं, कभी नहीं मिल सकता, वो टेस्ट आ ही नहीं सकता। वो टेस्ट तो भाई बूरा की बोरी में ही आएगा। तो परमात्मा यहां स्वयं आते हैं, आकर हमें याद दिलाते हैं। क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर
चार के अंदर श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता अपने सतीथि बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर गीता ज्ञान दाता अपनी साधना का मंत्र बताता है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, क्योंकि श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत ये काल बोल रहा है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है, ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और जो इसका अंतिम शरीर छोड़ने तक यानी अंतिम श्वास तक सिमरन करता हुआ जाता है वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। ब्रह्म की साधना से कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म और मृत्यु में आते हैं। तो इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता, अब जैसे हिंदू समाज के भोले श्रद्धालु इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों से भ्रमित होकर मानते रहे कि श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है और श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहा है और ये अजर अमर हैं, इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ये था लोकवेद। लोकवेद का अर्थ होता है दंत कथा, सुनी सुनाई बातें जो सत्य ना हो, ये लोकवेद था। अब इनकी जीवनी से पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। श्री कृष्ण जी को तो गीता के ज्ञान का कुछ भी पता नहीं था, उसने के बोला था। इनकी बात को यदि बड़ा करके चले कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी हैं और सतोगुण विष्णु, तो यहां ये खुद कहता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, क्या इन हमारे इस गुरु अंधों ने, आंखों वाले अंधों ने क्या ये नहीं पढ़ा? तो इसके विषय में परमेश्वर ने सुख संवेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनेण चम इनका फेरा मोतिया बिंद्रे। ये दिखे थे मैं ऋषि मंडलेश्वर संस्कृत भाषा धारावाहिक सुना कर बोड़ी जनता में प्रभु पाक रहे थे, स्वामी पाक रहे थे, तो परमात्मा ने आके उसी समय कहा था कि ये संत नहीं है, ये विद्वान नहीं है, इनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, ये टीचर काहे के हैं। और इसी बात का विरोध भगवान का घना करा दिया था और झूठ बोली नरी इन हमारे मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने, काजी और मुल्लाओं ने कि ये अशिक्षित है, दुल्हा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, ये पढ़ा नहीं है। आज परमात्मा ने दया बख्शी, पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया, सदग्रंथ सिंपल भाषा में उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। यदि ये दास अनुवाद करता वो तो करना ही ऐसे था, लेकिन ये फिर भी टांग अड़ा देते कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, जैसे भगवान के बारे में कहा करते ये क्या जाने वेदों और गीता के गुड़ रहस्यों का। तो परमात्मा का काम कच्चा नहीं होता। 600 वर्ष पहले धर्मदास जब चिंतित गणे हो गए थे, जब कह दिया था भाई चिंता ना करें, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा फिर आकर मैं सब न पार करूंगा, तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार होगा।
तो उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बताया था कि ये जितने संत हैं, मंडलेश्वर हैं, ये मुल्ला और काजी हैं, ये अपने धर्म के धर्म ग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ये केवल अपनी अपनी सोच से दंत कथा सुना के और इनको अपनी रोजी रोटी का आधार बनाए बैठे हैं। तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुन रही झूम करा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झूम करा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।